Yes, students, good morning all of you. Students, in the previous lecture, we have done the chapter number 8, D&F law. हमारा chapter number 8 complete हो चुका है, D&F law. I hope आप लोगों ने NCERT से इसको cover कर लिया होगा और NCERT के question भी कर लिया होगा. चलिए, अगर आपको कोई problem है, तो आप मेरे को personally WhatsApp पे पूछ सकते हैं अपनी कोई भी problem. तो आज हम यहाँ पर start करने जा रहे हैं. So today we are going to start the new chapter, chapter number 7, T-Block. Chapter number 7, T-Block. उसका ये फर्स्ट पार्ट. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने एक रफली पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है. आपको सबको पता है, ठीक है ना, ये ग्रुप वन होता है. यहाँ से ग्रुप वन से लेकर यहाँ तक ग्रुप 18 तक हम यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर आता है ग्रुप 13. ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक सारे के होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. लेकिन बच्चों क्लास 11 में भी आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा है, तो उसके अंदर ग्रुप 13, ग्रुप 14 आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना. लेकिन फिर भी मैं आपको इन सबके एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ. देखिए, तो देख ग्रुप 13 जो है बोरोन फैमिली कहलाती है, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट आता है इसके अंदर बोरोन, ठीक है ना. सबसे पहला एलिमेंट आता है इसके अंदर बोरोन, ठीक है ना. एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना. तो ये आपका बस. और पीरियड बच्चों यहां पर कितने होते हैं? टोटल 7 पीरियड होते हैं. 3, 4, 5, 6, 7. चलिए, हमने बना लिया. अब आप देखेंगे यहाँ पर इंडियम थैलियम, ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के लगी है, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड. नेक्स्ट ग्रुप 15, ग्रुप 15 जो है बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली है. सबसे पहले एलिमेंट आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. चलिए, अब यहां पर बेसिकली बच्चों जो है ग्रुप 16 आता है. ग्रुप 16 होती है बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली. सो ऑक्सीजन, सल्फर, जिलोनियम, इलोरियम और पोलोनियम. पोलोनियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. इट्स द हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ ग्रुप 17 इज बेसिकली फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली कहते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, बेसिकली फ्लोरीन फैमिली है, इसको हम हैलोजन्स कहते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोडीन. एंड ग्रुप 18 इज द बेसिकली आर्गन्स, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, नोबल गैसेस है. तो ये बेसिकली हीलियम की एक फैमिली है यहाँ पर. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये बेसिकली ग्रुप 18 के एलिमेंट है. तो टोटल 13 से लेकर 18 ग्रुप तक हमने यहाँ पर एलिमेंट सारे लिख दिए हैं. स्टूडेंट्स, इन द क्लास 11 जो है ऑलरेडी डन ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. सो इन क्लास 12 वी विल डू फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 18. ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक के हम यहाँ पर एलिमेंट्स को स्टडी करना है. एक एक करके हम सब ग्रुप्स को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज बता दूं. सपोज मैं ग्रुप 15 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ग्रुप 15 का जो है एलिमेंट नाइट्रोजन है. एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3. वहीं अगर बात करता हूँ ऑक्सीजन, ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p4. वहीं अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, ग्रुप 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p5. वहीं अगर मैं बात करता हूँ नियॉन, जो कि ग्रुप 18 में आता है, ग्रुप 18 में आता है, एटॉमिक नंबर इसका है 10, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2,
2p6. So students, आप लोग क्लास में देख रहे हो यहाँ पर 2s2 2p आ रहा है, 2s2 2p 2s2 2p 2s2 2p. समझ आ रही? ऐसे ही अगर मैं इनमें बात करता हूँ फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन सबके अंदर 3s2 3p आएगा, नीचे चलेंगे तो 4s2 4p आएगा, 5s2 5p आएगा, 6s2 6p आएगा, ठीक है ना, और 7s2 7p आएगा. तो इस तरीके से अगर हम नीचे चलते हैं तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैलेंस शेल में हमको कौन से और सबशेल्स मिलेंगे, एस और बी, ठीक है ना. तो अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट में आएगा एक तो एनएस और कौन आएगा, एनपी, एनएस और एनपी, ठीक है ना. तो सबके अंदर देखो यहाँ पे जैसे 2s2 है, यहाँ पे सबके अंदर 2s2 2s2, सबके अंदर 3s2 3s2 आएगा, 4s2 5s2 6s2 7s2. तो s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने हमेशा, किसी भी यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम यहाँ पर पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी ग्रुप एलिमेंट ले लें, सबके अंदर वैलेंस शेल में ns मतलब n क्या होगा, जो भी पीरियड होगा, जैसे यहाँ पर सेकंड पीरियड की बात करें तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तो ns2 पूरा होगा. और p के अंदर यहाँ पर इसके अंदर देखो अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 के अंदर, तो p के अंदर कितने हैं, p यहाँ पे 4 5 6. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और टोटल कहां तक पहुंच गया, 6 तक. और बोरोन के की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा, 2p1, ठीक है ना. तो ऐसे यहां पर p के अंदर 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द p ग्रुप एलिमेंट. अब यहां पर बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है, बेसिकली एक टर्म आती है इनर पेयर इफेक्ट. क्या कहते हैं इसको, इनर पेयर इफेक्ट. अब इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना. देखो जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2s और 2p आता है, तो यहां पर 2s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2p के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है ना. तो यहां पर ये अगर खाली 2p के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर s के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो मतलब कि यहां पर नाइट्रोजन जो है अपने अंदर वाले शेल 2s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है. और जब ns 2s के लो ये कह लो कि ns 2, यहां पे तो खाली 2s आ रहा, अगले में 3s आएगा, 4s 5s. तो p ब्लॉक में जब अंदर वाले ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं बॉन्डिंग में, तो अपनी जब मना कर देते हैं ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस समय पर यहां पर उस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो बेसिकली अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन को बात करें तो बेसिकली क्या होता है, द रिलक्टेंस ऑफ the reluctance of ns electrons to take part in a chemical reaction. तो जब ns electron participation नहीं करेंगे तो lower oxidation state show करेगा. तो reluctance of ns electron to take part in a chemical reaction, reluctance means मना करना कि बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कौन, ns इलेक्ट्रॉन. इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट. बात समझ आ गई? तो बेसिकली जैसे जैसे ऊपर से साइज बढ़ता है बच्चों, तो ns के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, तो इसलिए ऊपर से नीचे आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. अगर मैं बात करूं जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी किस्मत, तो यहां पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो यहां पर नहीं शो करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट अगर मैं वही बात करूं बिस्मत की, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा क्योंकि साइज बढ़ता है, आपको पता होगा नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है तो अंदर के एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो वैलेंस शेल से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ठीक है. चलिए, तो रिलक्टेंस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग इज नोन एज, ये केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना. चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके, हम ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप 15 से 18 तक पढ़ना है. आज स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15. ग्रुप 15 बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है. तो नाइट्रोजन फैमिली की मैं एक बार लिख देता हूं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये आपके एलिमेंट हो गए, ठीक है ना. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ आप इसको लिख भी सकते हो. अब यहां पर बेसिकली आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, इनमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है नॉन
मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स, ठीक है। वही अगर हम बात करें आर्सेनिक की, आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं, मेटलॉइड्स। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं, मेटलॉइड। वही अगर हम बात करें इसकी बिस्मथ की, सॉरी आर्सेनिक एंटीमनी जो है मेटलॉइड्स है, बिस्मथ क्या है, मेटल। ये बेसिकली हमने इनको डिफाइन कर दिया कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड्स है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2s2 2p3, ऐसे इसमें फोर सोर्स में क्या है 3s2 3p3। तो यहाँ पर हम इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे ns2 np3, p में हमेशा 3 आएंगे इस ग्रुप के अंदर और s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस n की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पीरियड। आगे चलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 11 में भी आपने वेरिएशन पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो कोवलेंट हो चाहे आयनिक रेडियस हो, दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। लेकिन ध्यान से समझेंगे फ्रॉम आर्सेनिक, ठीक है ना, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो है स्मॉल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस होगा। देखो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आएंगे तो एकदम से साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉस्फोरस से आर्सेनिक आएंगे तो एकदम से और इंक्रीज होगा, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ में जाएंगे तो साइज में इतना इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही आर्सेनिक से जब एंटीमनी में आएंगे तो एकदम से साइज इतना नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही एंटीमनी से बिस्मथ में आएंगे तो साइज एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर इनसे पहले आ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एंड यू नो दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी पुअर। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा पुअर होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट्स व्हाई द इंक्रीमेंट इन द साइज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा कम इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही है, वैलेंस शेल जब न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही है अट्रैक्शन कम हो रहा है वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम से कम एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर देखो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 3, हाफ फील्ड है। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6, कॉम्बिनेशन 1s2 2s2 2p2, तो ये ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, तो इसलिए कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज लेस देन, सॉरी इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि वो ज्यादा होती है इस कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 14 के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। तो यहां पर ग्रुप 14 के कंपैरेटिवली ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी होती है, जो ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेबल है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 से भी, अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 वो कम होती है किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15, बल्कि उल्टा होना चाहिए था, लेफ्ट राइट जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है। कारण क्या है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है लेकिन ऑक्सीजन की स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर 2p4 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी की बात करते हैं। एलोट्रॉपी फॉर्म, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 एक्सेप्ट नाइट्रोजन शो एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है ना, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म आपको पता है जैसे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, कार्बन जो है डायमंड के फॉर्म में मिलता है, कार्बन के फॉर्म मिलता है, वो कार्बन ही लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म आती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज भी उसकी वजह से अलग हो जाती है। नेक्स्ट आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी,
नाइट्रोजन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड बट फॉस्फरस शो कैटेनेशन टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट दिस टेंडेंसी टू शो द कैटेनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कैपेबल है ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, बट हम फॉस्फरस पे चलते हैं वो भी बना लेता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर नीचे आएंगे तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है ये डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता रहता है और वहां पर ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है एक से ज्यादा एलिमेंट का जो है क्या कहते हैं उसको एक से ज्यादा एलिमेंट का एक साथ ना जुड़ना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सॉरी, एक से ज्यादा एलिमेंट का जुड़ना उसको हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन अपनी बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, कार्बन कैसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कह लेते हैं जिसको। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। फॉस्फोरस में चलते हैं तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम हो जाती है और नीचे आएंगे तो क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी वीक होती जाएगी और कम शो करेगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है एटॉमिक साइज, ठीक है, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज की, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ आ गई बच्चों, और ऊपर से नीचे आते हो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है ना, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए नाइट्रोजन जो है वो डायटॉमिक फॉर्म मिलता है N2 के फॉर्म में और वो गैस होती है। बाकी हम बात करें व्हाई ऑल द अदर आर सॉलिड, बाकी जितने भी है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ वो कैसे हैं, सॉलिड हैं, ठीक है ना। बेसिकली पॉलीमेरिक होते हैं, पॉलीमेरिक मींस कि एक से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं एलिमेंट्स, इसके अंदर नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है, टेट्रा एटॉमिक होता ही है, ठीक है ना। तो ये एक से ज्यादा एटम एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं, ठीक है, बट नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में मिलता है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आपको पता है ऊपर से नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज दोनों इंक्रीज होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया अभी, और उसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है बच्चों क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कारण क्या है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, ऊपर नीचे आते हुए आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होने लगेगा। कारण क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ पर पोअर शेडिंग फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। आज के बच्चों इतना ही करते हैं, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, आप एनसीईआरटी से प्रॉपर इसकी रेटिंग लेंगे, एनसीईआरटी बेस्ट प्रैक्टिस से क्वेश्चंस करेंगे, इज इट क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।